हम अपने अपने बाइबल को खोल लेंगे। हमारे बीच में प्रभु के सेवक हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे विनोद भाई का धन्यवाद। राजेश भाई आवाज आ रहा है? ओके, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह सभी को। परमेश्वर ने एक और बार अनुग्रह किया है आप लोगों के बीच में आके आज का वचन लेके आने के लिए। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो आज का टॉपिक जो मेडिटेशन के लिए है हमारा, वो ये है कि हु आर द इलेक्ट ऑफ गॉड, या फिर हिंदी में इसका अनुवाद हम करेंगे तो इट विल बी लाइक के कौन है ये प्रभु के चुने हुए लोग। तो सिंपली पुट, अगर आप इलेक्ट ऑफ गॉड ऐसा इंग्लिश में टर्म अगर आप देखेंगे तो उसका एक ये मतलब होता है कि गॉड ने पहले से प्रीडिस्टाइन करके रखा हुआ है या पूर्ण निर्धारित करके रखा हुआ है सैल्वेशन को। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो इलेक्ट है या फिर वो डिटरमाइंड है बिफोर हैंड, और समय के नियुक्त के पहले से वो इलेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं उदाहरण से समझाऊं तो ऐसा होता है कि यूएस में जब हम इलेक्शंस करते हैं तो एवरी 4 इयर्स ये यूएस का जो है वो प्रेसिडेंट हम इलेक्ट करते हैं। मतलब कि वो जो ऑफिस है वो ऑफिस को सर्व करने के लिए एक प्रेसिडेंट को हम वहां पे इलेक्ट करते हैं। उसी तरह से इवन गॉड को भी कुछ लोग हैं उसके मन में, उसके प्लान में, उसके पर्पस में, उसके हित में जो वो बचाना चाहता है, और इस क्रिया में जो लोग शामिल होते हैं उनको फिर हम कहते हैं प्रभु के चुने हुए लोग, या फिर दोस हु आर द इलेक्ट ऑफ गॉड। तो जैसा ये जो कॉन्सेप्ट है स्टैंड करता है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल कभी कभी होता है, लेकिन एक बिब्लिकल ट्रूथ की ओर आज सवेरे मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। बिब्लिकल ट्रूथ यह है कि आप यूहन्ना का किताब 6:44 आप देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि मेरे पास तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक मुझे भेजने वाला परम पिता उसे मेरे प्रति आकर्षित ना करे, मैं अंतिम दिन उसे पुनर्जीवित करूंगा। मतलब कि इट इज द फादर हु ड्रॉस देम एंड आई विल रेज देम एट द लास्ट डे। हम क्या सोचते हैं कभी कभी सुसमाचार करके कि शायद कभी कभी हमने कुछ किया होगा तो हमारी बातों के वजह से या हमारे थ्रू लाइक फलाना भाई या बहन जो है सेव हुआ होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये पिता है, ये पिता परमेश्वर है जो अपनी ओर आकर्षित करता है अपने लोगों को, और ये वर्स ये बताता है कि अंतिम दिन उसे पुनर्जीवित करूंगा। मतलब कि ये अंतिम दिन का मतलब हुआ व्हेन क्राइस्ट इज कमिंग, व्हेन जीसस द क्राइस्ट इज कमिंग। हम सबको वो विश्वास है कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। तो जब यीशु मसीह आएगा तब अंतिम दिन में उसे पुनर्जीवित करूंगा। तो इसलिए एक बात हमको इधर समझने का यह है कि इट इज गॉड हु ड्रॉस पीपल टू हिम। तो एक मेरे को आपका ये बताना है कि इसका मतलब हुआ कि गॉड ने किसी को मन में रखा हुआ है, हाँ इसको मैं इलेक्ट करेगा, इसको मैं चुनेगा, इसको मैं सेव करेगा, इसको मैं मेरा प्रजा में गिनूंगा। ठीक है, तो ये बहुत धन्य वाली बात है, धन्य होने वाली बात है कि परमेश्वर के प्लान में हमारे जैसे तुच्छ, हमारे जैसे कुछ काम के नहीं, हमारे जैसे कोई वर्थ, कोई मूल्य नहीं, हम क्या है, खाली एक भाप के समान है ना। वो तो परमेश्वर का कृपा है, हम जीते हैं। हमारे जैसे के ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करता है और हमको बचाता है। तो इसी के संदर्भ में एक और दो बात बताने के लिए मैं एक और वर्ड्स, एक कॉन्टेक्स्ट में आपको ले जाना चाहूंगा। वो है रोमियो के पत्री 8 अगर आप पढ़ेंगे उसका 28 to 30 आप देखेंगे। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं। एंड वी नो दैट इन ऑल थिंग्स गॉड वर्क्स फॉर द गुड ऑफ दोज हू लव हिम, who have been called according to his purpose. For God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among brothers and sisters. And those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified. मतलब तीन चीज है इधर, predestined, justified, glorified. इसका हिंदी अनुवाद मैं बताता हूँ। Romans 8 का 28 to 30 का हिंदी अनुवाद। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही की उत्पन्न करती है। ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर, अच्छी बातें, बुरी बातें। मैं बीमार भी पड़ गया तो भी परमेश्वर उसको अच्छा में बदल सकता है। मेरी नौकरी भी चली गई तो भी परमेश्वर उसको अच्छा में बदल सकता है। मेरा बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया तो भी परमेश्वर उसको अच्छा में बदल सकता है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखा आपने इधर, उसके इच्छा के अनुसार, मतलब परमेश्वर का माइंड में, गॉड का माइंड में पहले से एक ये है, मेरा इच्छा है फलाना भाई फलाना बहन जो है मेरे में बना रहे, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। देखो, उसने पहले से जान लिया हुआ है। हमारा सुसमाचार का जो प्रक्रिया है उससे कुछ लोगों को शायद अभी लेके आ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर का प्लान में वो उसको पहले से जान लिया होता है। इसको कहते हैं पहले से निश्चित या प्रीडिस्टिन्ड, या पहले से निर्धारित, पूर्ण निर्धारित से जान लिया है। उन्हें पहले से ठहराया भी है उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। तो जिन्हें उसने पहले से निश्चित किया, ये मेन वर्स है, ये आप समझने की कोशिश। जिन्हें उसने पहले से निश्चित किया, मतलब कि गॉड ने पहले से निश्चित किया, प्रेडिस्टाइन किया, उन्हें भी उसने बुलाया। तो उसको बुलाने का या जस्टिफाई करने का एक जो चीज है वो भी परमेश्वर ही करेगा। उन्हें उसने धर्मी ठहराया, जस्टिफाइड इन क्राइस्ट। ये आपका इलेक्शन बताता है, इलेक्शन बाय गॉड बताता है। और जिन्हें उसने धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी प्रदान की है, और फिर वो परमेश्वर के राज्य में उस तरह से यूज होते हैं। तो ये है उसका एक जो प्रक्रिया है। अगर आप उसको देखेंगे तो पहले प्रीडिस्टिन्ड होता है, फिर वो जस्टिफाई करता है। आपका इलेक्शन जो है यीशु मसीह में, आप जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, आप और मैं जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, हमको धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह हमको जस्टिफाई करता है। और फिर धर्मी ठहराने के बाद महिमा की प्रदान या ग्लोरीफाई करता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक इलेक्शन है। इसलिए तुच्छ मत जानिए जो परमेश्वर आपको जो इतना प्यार करता है। और हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा हुनर, कोई ऐसा स्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का असीम अनुग्रह, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुकंपा है कि हम प्रभु के लोग गिने जाते हैं। तो क्या कंट्रोवर्शियल क्या है जिस तरह से इस इलेक्शन होता है, उसमें दो व्यूज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। थोड़ा थियोलॉजी आएगा इन अ सेंस, लाइक के बिब्लिकल डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जो है उसके अंदर एक बात आप लोग आज समझ लीजिए कि हर कोई नहीं चुना जाएगा, वेरी क्लियर। और प्रभु को हर कोई नहीं चाहिए, कुछ जो होंगे वो पास ओवर किए जाएंगे, लेकिन कुछ है जो इलेक्ट किए जाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहता हूं, मार्क का मरकुस का किताब आप देखेंगे और आप 13 अध्याय पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो दो तीन बातें हैं वो ऐसा है कि आप मरकुस 13:14 से आप अगर पढ़ेंगे तो ऐसा है कि सो जो तब उस उजड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, पढ़ने वाले समझ ले तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वो अपने घर से कुछ लेने के लिए नीचे ना उतरे और ना भीतर जाए, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय होएगा। मतलब ये एक उस समय की बात कर रहा है, एक आने वाली पीड़ा वाले समय की बात कर रहा है, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे 19 वर्ष कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सूजी है अब तक न तो हुए और न कभी फिर होंगे, और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचाता, परंतु उन चुने हुओं को कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। इसका मतलब समझे आप, मतलब कि हम जैसे चुने हुए लोगों को बचाने के लिए ऐसे हाय हाय वाले पीड़ा वाले जो दिन है उसको घटाया है। तो ये क्लेश का समय के बारे में बताता है, एंटीक्राइस्ट और जो ट्रिब्युलेशन क्रिस्त विरोधी और जो ट्रिब्युलेशन का पीरियड जो है आने वाला समय जो है उसके बारे में बताता है। उसमें भी अलग अलग व्यूज है, कुछ ऐसे लेते हैं कि ट्रिब्युलेशन सिर्फ इजराइल के लिए है और हम देखते हैं कि बाकी सारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आजकल नॉर्मल चीजें चलता है, लेकिन इजराइल के ऊपर एक प्रकार से पीड़ा आया हुआ है। कुछ ये मानते हैं कि हम सारों के ऊपर पूरे दुनिया में ट्रिब्युलेशन आएगा, वो एक अलग विषय है, हम अभी उसमें जा नहीं रहे हैं। बट इन शॉर्ट ऐसे वाले दिनों को शॉर्ट करता है, क्योंकि अपने अनुग्रह करे हुए लोगों के ऊपर परमेश्वर करुणा दिखाना चाहता है। तो समझने वाली बात क्या है, सम आर चोजन टू बी रैप्चर्ड एंड सम फॉर एंड टाइम ट्रिब्युलेशन के लिए। कुछ लोग जो होंगे वो रैप्चर की हो जाएंगे, रैप्चर मतलब कि वो परमेश्वर वो क्रिस्त के साथ उठा दिया जाएंगे, जीवित भी उठा दिया जाएंगे। आपका विश्वास, आपका पवित्र जीवन, आपका जीवन शैली, खाली ये वचन बांटना इज नॉट इनफ। आपको फिर ये वचन बांटने के बाद फिर आपको आपका जीवन से परखा जाएगा परमेश्वर के चीजों में कि आप कितने खरे उतरे हुए हो परमेश्वर के अंदर। सो वचन बांटने से हमको हम स्वर्ग में जाएंगे ऐसा नहीं है। इट इज एक लाइफस्टाइल टुवर्ड्स गॉड दैट विल शो कि वेदर हम रैप्चर्ड होंगे या नहीं करके, और प्रभु हम सबको उसमें मदद करे। तो सम आर चोजन वो रैप्चर्ड होने के लिए एंड सम आर चोजन एंड टाइम्स का ट्रिब्युलेशन के लिए। तो प्रे दैट मैं और आप और हम सब वो एंड टाइम ट्रिब्युलेशन में नहीं परंतु परमेश्वर के साथ हम रैप्चर्ड होएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पीड़ा दुनिया के ऊपर आने वाला है। तो लेट्स कम बैक टू इलेक्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट ऑफ गॉड का क्या मतलब है, या फिर व्हाट डज इट मीन टू बी द इलेक्ट ऑफ गॉड। तो प्रभु के चुने हुए जाने या प्रभु के चुने हुए लोगों के बारे में एक डॉक्ट्रिन ऐसा बताता है कि वो पहले से जानता है, परमेश्वर पहले से जानता है और वो समय के पहले से अपना विश्वास के हिसाब से अपना जो प्री डिस्टिंड जो उसका फोर नॉलेज है, हम कहते हैं गॉड इज ऑमनी पोटेंट ऑमनीसिएंट, मतलब सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्वगुण वाला है परमेश्वर। तो ये डिवाइन फोरनॉलेज के ऊपर परमेश्वर जिन जिन लोगों को इलेक्ट करता है बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, उसका प्लान देखा बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मैं और आपका इस पृथ्वी में आने के पहले से, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ लोगों को उसने इलेक्ट किया हुआ है और उनको उस और परमेश्वर को उस लोगों का ही चिंता है कि इसको मैं बचा लूं, इसको मैं रैप्चर का ट्रेन में इसका मैं टिकट बुक करवा लूं, राइट। तो ये एक है जो फोरनॉलेज वाला व्यू है। दूसरा व्यू क्या है थियोलॉजिकली, वो है ऑगस्टिनियन व्यू। ऑगस्टिनियन व्यू में ऐसा होता है कि गॉड ने जो इलेक्शन किया हुआ है दैट इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एक फेथ जो गॉड ने दिया हुआ है कि परमेश्वर ही उनको आकर्षित करता है अपने ओर। तो हम कोई भी जाति से हो सकते हैं, कोई भी रेस से हो सकते हैं, कोई भी भांति से हो सकते हैं, लेकिन वो गॉड हमको इलेक्ट करता है अपना चीजों के लिए। तो जो ये जो इलेक्शन अब है वो ऑगस्टिन व्यू के हिसाब से ऐसा होता है कि बाय गॉड का सॉवरिन ग्रेस के हिसाब से आप इलेक्टेड होते हो। तो जो भी आप देखो, कुछ भी आप देखो, लेकिन वो सारों में यही है कि बाइबल यही बताता है कि गॉड उसके पीपल को इस तरह से चूज करता है, इस तरह से चूज करता है कि वो अपना जो पर्पसेस होता है, उसका जो डिजायर होता है, उससे वो अनुग्रह दिखा पाए जो सिनर्स है उनके लिए। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे साथ आप खोल सकते हैं इफेसियों की किताब, एक उसका 4 और 5 जरा एग्जामिन करते हैं। इफेसियों का 1, 4, 5 आप ऐसा देखेंगे कि संसार की रचना से पहले ही परमेश्वर ने हमें जो मसीह में स्थित है अपने सामने पवित्र और निर्दोष बनने के लिए चुना। हमारे प्रति उसका जो प्रेम है उसी के कारण उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने बेटों का स्वरूप में स्वीकार किया जाने के लिए नियुक्त किया। यही उसकी इच्छा थी और यही प्रयोजन भी था। इसलिए उसने ऐसा किया कि वह अपनी महिमामय अनुग्रह के कारण स्वयं को प्रशंसित करे। उसने इसे हमें जो उसके प्रिय पुत्र में स्थित है मुक्त भाव से प्रदान किया। मतलब ये एक प्रकार सा एक ये चीज बताता है कि परमेश्वर ने कैसे अनुग्रह करके हम जो पापी थे उसको उसने हमें चूज किया उसके चीजों के लिए। तो जैसे मैं मेडिटेट कर रहा था इस स्क्रिप्चर के ऊपर और भी, तो एक अच्छा एक रेफरेंस हमारे लिए ये है रोमियो के किताब। रोमियो के किताब 9 में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक वर्स आपको मिलेगा, जैसे आप 6-8 में आएंगे तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने अपना वचन पूरा नहीं किया है, क्योंकि जो इज़राइल के वंशज है वे सभी इज़राइल नहीं है। हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है, इज़राइल से जो भी आता है सारे इज़राइल है, ऐसा नहीं है। और न ही इब्राहिम के वंशज होने के कारण वे सब सचमुच इब्राहिम के संतान है, बल्कि जैसा परमेश्वर ने कहा तेरे वंशज इसहाक के द्वारा अपनी परंपरा बढ़ाएंगे। अर्थात यह नहीं है कि प्राकृतिक तौर पर शरीर से पैदा होने वाले बच्चे परमेश्वर के वंशज है, बल्कि परमेश्वर के वचन से प्रेरित होने वाले उसके वंशज माने जाते हैं। प्राकृतिक रूप से जो पैदा होते हैं वो हम लिनियज के हिसाब से कहते हैं इज़राइल है, लेकिन हम अन्य जाति के लोग हैं। मैं भी अन्य जाति के लोग में हूं, तो क्योंकि मैं ओरिजिनल यहूदी नहीं हूं, मैं जेंटाइल हूं, मैं इंडियन हूं, ठीक है ना। लेकिन ऑल दोस्त जो इज़राइल नहीं है उनको एक प्रोविजन है जेंटाइल्स या अन्य जाति के लोगों में। तो आप अब जैसे यीशु मसीह में मानोगे, क्योंकि यीशु मसीह खाली क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं आया, यीशु मसीह सारा जगत के लिए आया। ये दुनिया का भ्रम है कि यीशु मसीह क्रिश्चियनिटी के लिए आया या ख्रिस्त लोगों के लिए आया या वेस्ट से लोग आए हैं उनके लिए आया। नो नो नो, जीसस केम फॉर द होल वर्ल्ड, फॉर द होल वर्ल्ड टू रिडीम मैनकाइंड। तो उस तरह से हम जो अन्य जाति के भी है, अब हम जिनको ये सुसमाचार मिला है हम भी वो पवित्र इज़राइल है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं और हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने चुने हुओं को इलेक्ट करता है। कभी कभी फेथ वर्क नहीं करेगा, कभी कभी लॉजिक वर्क नहीं करेगा, कभी कभी आप समझ नहीं पाओगे कि गॉड का प्लान में आप कैसे शामिल हो गए, बट ही नोज योर हार्ट। बाहर से देखने वाले खाली आपका कपड़ा देखता है, खाली आपका मुंह देखता है, खाली ये कोटिंग देखता है, इसके अंदर एक आत्मा है, इसके अंदर एक इनर मैन है, ये इनर मैन के ऊपर एक स्किन दिया गया हुआ है, जो क्लोथ किया हुआ है, जिससे कि क्या है कि वो पूरी तरह से ढक गया हुआ है। लेकिन ऐसा विश्वास भरे संदेश जैसे हम सुनते हैं और हम समझते हैं कि प्रभु ने हमें चूज किया है, प्रभु ने हमें इलेक्ट किया है, प्रभु का एक अनुग्रह है, तो हमारा भी एक आकर्षक क्राइस्ट की तरफ और आता है। हम भी आते हैं, प्रभु हमारे में क्या है, प्रभु आप इतना हमसे प्यार किया, ठीक है ना। हमारा पास्टर कभी कभी प्रे करते हैं तो कहते हैं, प्रभु मेरे में क्या, हमारे में क्या है था ऐसा कि हमने ऐसा कलीसिया स्टार्ट कर दिया, और कितने लोग थे कि आप कलीसिया स्टार्ट करवा सकते थे। नहीं 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 नहीं, प्रभु कुछ देखता है जो मैं और आप नहीं देख सकते हैं, और वो दिल है, वो दाऊद को जैसा जो दिल दिया वैसा एक दिल। तो इसलिए क्या होता है ये अब देखिए, आप जैसे रोमन्स पढ़ेंगे ना, रोमन्स के अंदर 9 का आप 14-15 के आसपास कुछ आप आएंगे, इंग्लिश में ऐसा है, आई विल हैव मर्सी ऑन हुम आई हैव मर्सी, आई विल हैव कंपैशन ऑन हुम आई हैव कंपैशन। मतलब कि हिंदी में ये हुआ कि मैं उसके ऊपर दया दिखाऊंगा जिसको मेरे को दिखाना है दया, मैं उसके ऊपर अनुकंपा दिखाऊंगा, कंपैशन दिखाऊंगा जिसको। अब आपका लॉजिक नहीं है, अब आपका फेथ नहीं है कि प्रभु मैं राजस्थानी हूं तो तूने मेरे को क्यों चूज किया, कि प्रभु मैं मारवाड़ी हूं तो मेरे को क्यों चूज किया, कि प्रभु मैं पटेल वाला हूं तो मेरे को क्यों चूज किया। आप पटेल भी होके भी आप मसीह में आएंगे, आप राजस्थानी होके भी मसीह में आएंगे, क्योंकि हमारा विश्वास यह है कि जब परमेश्वर आएगा तब सारी जाति के लोग में से लोग होंगे। तो पटेल भी आएगा, सिंधी भी आएगा, होल ऑफ इंडिया में से जितने ट्राइब्स है सब आएंगे, जैसे परमेश्वर का प्लान है। वो मेरा विषय नहीं है, बट वो गॉड का प्लान है, वो इलेक्ट करता है, वो चूज करता है। कई मानेंगे कई ये सुसमाचार में नहीं मानेंगे, कई कुछ और फिलोसॉफी में मानेंगे, तो परमेश्वर फिर उनको उनका डिजायर के हिसाब से चलने देता है कि भाई तू ये मानता है तो ठीक है, तू ये मान ले। लेकिन अनंत जीवन में मानने वाला, परमेश्वर में मानने वाला कुछ लोग है, मैं उनके थ्रू मेरा काम करूंगा। तो ये बहुत एक बड़ा गेट इट क्लियर टुडे इन योर स्पिरिट दैट के आज हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक मर्सी ऑफ गॉड है कि हम उसके चुने हुए हैं, कि हम ये चीज को डिस्कस कर रहे हैं, और परमेश्वर ने हमको इंक्लूड किया हुआ है उसका ग्रेट प्लान ऑफ इलेक्शन और रिडेम्पशन में, कैसे वो एक इजराइल जैसा एक होली नेशन बनाए दिन प्रतिदिन हमें। तो आई थिंक अब आप समझ सकते हो कि क्यों गॉड का प्लान आपके जीवन के अंदर के लिए इतना एम्फोसिस है, क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है और वो वेट कर रहा है उसके प्लान और उसके जो पर्पसेस है वो फुलफिल करने के लिए। और वो जानता है प्रीडिस्टिनेशन हो, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ह्यूमैनिटी हो, चॉइसेस हो, अकाउंटेबिलिटी हो, पहले से वो जानता है कि इसको मैं कैसे बचाऊंगा। भले ये तकलीफों से जाए, भले ये कुछ ऐसे चीजों से जाए, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि प्रभु साइलेंट है क्या, प्रभु तू देख नहीं रहा है क्या, लेकिन फिर भी प्रभु हमारे साथ है। इसलिए एक चीज आज आप लोग समझ लो कि शायद आप बहुत बर्डन से किसी के लिए प्रे कर रहे होंगे या किसी के लिए सोच रहे होंगे, बट हो सकता है कि दैट पर्सन माइट बी मिस्ड इन गॉड्स प्लान और आप चुने हुए होंगे, बिकॉज गॉड डज नॉट चूज एवरीवन। उसका जो इलेक्शन है, ठीक है, एंड हर कोई क्या कहते हैं हर चीज के लिए कभी कभी यूज नहीं किया जाएगा। इट्स लाइक अ वीजा, ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री। सिमिलरली गोइंग टू हेवन भी वही है, क्राइस्ट का वो जीवन शैली जीना, वॉकिंग द नैरो पाथ। फ्यू विल मेक इट, सारा के सारा विल नॉट मेक इट, ठीक है, बट हमारा कोशिश है कि हम भी वो फ्यू में आ पाए करके। इसलिए हमको प्रे करना है जो परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं उनके लिए भी, कि उसके हित और उसका जो मर्सी और उसका जो ग्रेस है उसमें वो बच जाए और वो परमेश्वर के योजना के अंदर जुड़ जाए और ग्रेट कमीशन के पार्ट हो जाए करके। इसलिए क्लोजिंग में मैं वापस जो स्टार्टिंग वाला वर्स है दोहराना चाहूंगा, जॉन 6:44 के, मेरे पास तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक मुझे भेजने वाला परमपिता उसे मेरे प्रति आकर्षित न करे, मैं अंतिम दिन उसे पुनर्जीवित करूंगा। तो इवेंजलिज्म और हमारा सुसमाचार ये इस तरह से बताने के थ्रू परमेश्वर हमको एक वो प्लान देता है, एक वो पार्टिसिपेशन का मौका देता है अपनी और हर एक नेशन हर एक लैंग्वेज वाले लोगों से अपनी ओर खींचने के लिए। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है ये हमको फ्री करता है हमारा गॉस्पल हमको शेयर करने से। कोई फियर ऑफ फेलर नहीं है, कोई फियर ऑफ प्रेशर नहीं है, परंतु बिकॉज हमको पता है कि ये खरा है, ये सच्चा है, ये बात सच्ची है, तो मैं ये गॉस्पल को शेयर करूंगा और उस तरह से मैं ओबीडियंटली मेरा जो जीवन में जो कॉल है, परमेश्वर का जो कॉलिंग ऑफ गॉड आपके जीवन में है, मैं उस तरह से उसको ओबीडियंटली फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। और ये एक मेरा छोटा सा कदम है टुवर्ड्स एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ या जयवंत मसीह जीवन। तो आशा करता हूं कि आज का ये संदेश से आप लोगों को आपका चुने हुए होने का जो मतलब है और भी थोड़ा गहराई में परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा। आप लोगों ने पेशेंटली सुना, उसके लिए धन्यवाद। आगे का समय के लिए मैं राजेश भाई को देता हूँ। थैंक यू विनोद भाई, बहुत ही अच्छा और गहरा बाइबल के बहुत गहरे गहरे वचन को सुनने के लिए परमेश्वर ने हमें जो अवसर दिया है तो उसको धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आज का वचन कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम रखते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर क्या होती है, भलाई को ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ।